हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में यूपीएस रिपेयरिंग के विषय में कुछ जानकारी शेयर कर रहा हूँ। यह है ट्रू पावर का यूपीएस जो काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था और जब मैं इसे निकाल कर ऑन कर रहा हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहा है। यूपीएस का जो बोर्ड रहता है बहुत ही अच्छा रहता है। एनी कंपनी यूपीएस खासतौर से ब्रांडेड कंपनी ही बनाती है, जैसे माइक्रोटेक, सुकैम, ट्रू पावर। तो आइए जानते हैं इस यूपीएस में क्या हुआ है। यूपीएस जब भी डेड हो तो 90% चांसेस रहती है कि उसमें उसका बैटरी ही ख़राब हुआ हो। इसमें 7AH 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है जो मार्केट में आपको 700 रुपये के अप्रॉक्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले यूपीएस को हम लोग खोलेंगे। यूपीएस को खोलने के लिए आप यूपीएस के नीचे चार नट बोल्ट है, आप इस स्क्रू को खोलोगे तो ये ओपन हो जाएगा। अभी नया मॉडल जो यूपीएस आ रहा है वो प्लास्टिक बॉडी में आ रहा है, बट ये कुछ पुराना मॉडल है जो कि मेटल बॉडी में आ रहा है। मेटल बॉडी का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये होता था कि इसकी गर्मी जो है सारी बॉडी में फैलती थी और मॉस्फेट उड़ने का चांसेस कम होता था, ट्रांसफार्मर वगैरह भी कम जलता था। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट हुई है। यूपीएस जब भी ख़राब हो तो आप सबसे पहले बैटरी चेक करो। अगर यूपीएस लंबे समय तक आपने यूज नहीं किया है तो सबसे पहले उसे 6 से 8 घंटे तक चार्ज में दे दो। 50% चांसेस है कि वो ऐसे ही ऑन हो जाएगा, क्योंकि यूपीएस का जो बैटरी होता है, यूपीएस को ऑन करने में भी यूपीएस की बैटरी का ही हाथ होता है। यानी आप ऑफ भी रखते हो तो यूपीएस थोड़ी बहुत बैटरी कंज्यूम करती रहती है, इसके वजह से यूपीएस का बैटरी डेड होता हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी बैटरी को कैसे हम लोग खोल सकते हैं। देखिए कुछ भी नहीं शो कर रहा है, क्योंकि इसका बैटरी देखने से भी लग रहा है कि ये बैटरी ख़राब हो गया है, क्योंकि बैटरी जहाँ तहाँ से फूल रही है। तो श्योर है कि इसकी बैटरी ख़राब हो गई है। यूपीएस डेड कंडीशन में अगर हो तो सबसे पहले आप बैटरी चेंज करो, क्योंकि ये बैटरी ही है जो इसे डेड करने में सपोर्ट करती है। तो सबसे पहले हम लोग खोलेंगे इसकी बैटरी का सेपरेटर। एक लोहे के ज़रिए बैटरी को कसा जाता है। अभी लेटेस्ट मॉडल में सारे में प्लास्टिक यूज किया जा रहा है और बैटरी सेपरेटर के रूप में प्लास्टिक ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यदि झटका लग भी जाए तो वो बैटरी को डैमेज नहीं करता है। बट इस मॉडल में लोहे का ही प्लेट से बैटरी को कसा गया है। तो इसे सबसे पहले खोल लेता हूँ। काफ़ी कम जगह है। सबसे पहले बैटरी के स्टैंड वाले कवर को हटाएंगे। ऐसा करते वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें ध्यान देना कहीं कोई तार ना टूट जाए, क्योंकि यदि कोई तार टूटता है तो फिर आपको सोल्डर की आवश्यकता होगी, और अगर 2-4 तार एक साथ टूट गया तो फिर कहाँ से कौन टूटा है इसकी भी दिक्कत आ जाएगी। नॉर्मली यूपीएस में क्लिप का यूज किया जाता है और अच्छे तार का ही उपयोग किया जाता है, तो टूटने के चांसेस कम होते हैं। फिर भी आप इस बात का ज़रूर ध्यान दोगे कि तार ना टूटे। देखिए इस बैटरी का क्लिप हमने हटा दिया है। यूपीएस में बैटरी सोल्डिंग किया हुआ नहीं रहता है, एक क्लिप के ज़रिए बैटरी को कनेक्ट किया जाता है। ये पेचकस की सहायता से बैटरी को पहले ऊपर उठाएंगे, क्योंकि बैटरी सेपरेटर जो नीचे है वो बैटरी को बाहर आने से रोक रहा है। तो सेपरेटर से ऊपर करके बैटरी को निकालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मुश्किल है बट बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ये देखिए बैटरी फूला हुआ है, बैटरी की कंडीशन को देख के ही लग रहा है कि ये बैटरी ख़राब हो गया है। 7AH की बैटरी आप कैसे रिपेयर करोगे, इसके लिए भी मैंने वीडियो डाला हुआ है दोस्तों, आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। ये दूसरी बैटरी हमने लिया है, ये भी 7AH 12 वोल्ट बैटरी ही है। इसको फिट करके देखता हूँ कि बैटरी का सर्किट अच्छा है या नहीं है। ये बैटरी पूरी तरह से ख़राब हो गई है, काफ़ी पुराना बैटरी है, काफ़ी लंबे समय तक रखने की वजह से
ये ख़राब हो गई है। यूपीएस की बैटरी अभी बिना गारंटी की ही आ रही है मार्केट में, मोस्टली कंपनी गारंटी अब नहीं दे रही है, बट कुछ कंपनियां हैं जो 6 महीने की गारंटी देती है। बट यूपीएस में अब कोई बैटरी लगाओ तो वो 1 साल से ज़्यादा ही चलता है अगर आप अच्छे से उसको चार्ज और डिस्चार्ज करते हो तो। सबसे पहले अब इसमें प्लस का पिन लगा देता हूँ। काफ़ी कम जगह होने के कारण अच्छे से सूट भी नहीं हो पा रहा है, बट इसमें 2 पिन है और इस तरह से कंपनी ने वायर को सेट किया है कि उल्टा पुल्टा भी नहीं लगेगा क्योंकि तार बहुत छोटा है। ये हो गया, ये मैं देखने का दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए रेड वायर जो कि प्लस पिन पे हमने क्लिप किया है और ये ब्लैक वायर जो माइनस पिन पे क्लिप किया है। एक बार ऑन करके देखते हैं, ये आप देख पा रहे हो LED ब्लिंक कर रहा है। नया बैटरी जब भी आप किसी भी UPS में इंस्टॉल करो तो सबसे पहले उसको 6 से 8 घंटे तक या फिर आप रात को लगा के छोड़ दो, सुबह तक उसे चार्ज होने दो, क्योंकि कोई बैटरी जब नया हम लोग लेके आते हैं तो वो फुल चार्ज नहीं रहता है, तो हमें UPS में लगा के उसे इमीडिएट यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इमीडिएट यूज करेंगे तो फिर उसमें अचानक से लोड बढ़ने की वजह से वो बैटरी हमें लंबा समय तक हमारा साथ नहीं देगी। क्योंकि जितनी इनकी गारंटी होती है बैटरी उतना ही तो चल जाएगा, बट अच्छा अगर हम चाहते हैं कि बैटरी हमारा गारंटी के बाद भी बने हुए रहे हमारे साथ तो हमें उसे अच्छे से यूज करना पड़ेगा। तो आप नया बैटरी जब भी इंस्टॉल करो तो उसे 6 से 8 घंटा ज़रूर चार्ज करो, क्योंकि 6-8 घंटा चार्ज करने की वजह से बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, उसके बाद जब फिर हम उसे यूज करेंगे तो वो अच्छा बैकअप भी देगी। ये बैटरी लगाने के बाद ही ये आप देख पा रहे हो ये ऑन हो गया। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि UPS की सर्किट बहुत कम ख़राब होती है, क्योंकि सर्किट इतने अच्छे से इंस्टॉल किया जाता है, इतने अच्छे से ये बनाया जाता है कि बहुत कम खराबी आती है। और हम लोग जब कंप्यूटर यूज करते हैं तो लिमिटेड इस पर हम लोग लोड भी देते हैं, इसके वजह से इसके ख़राब होने की चांसेस भी बहुत कम रहती है। अब सबसे पहले बैटरी का जो सेपरेटर है इस प्लेट को कस दें ताकि बैटरी इधर उधर ना हो, क्योंकि यदि बैटरी इधर उधर होगी तो सर्किट में चोट लगने की वजह से बोर्ड भी ख़राब हो सकता है। ये आप देख पा रहे हो मॉस्फेट बोर्ड है और ये ट्रांसफार्मर है। इस UPS का सबसे अच्छा बात क्या है कि यदि हम इस UPS को बड़े बैटरी के साथ जोड़ दें तो भी ये हमें लंबा बैकअप दे सकती है पूरे इन्वर्टर जैसा, यानी यदि हम साइन वेव इन्वर्टर की तरह भी इसे यूज करें बड़े बैटरी लगा के तो ये चल जाएगा। हम इस पर लगभग 60-70 AH का बैटरी भी लगा दे तो उसको भी चार्ज कर देगी। थोड़ा सा ट्यून करना पड़ेगा, चार्जिंग इसका बढ़ाना पड़ेगा, बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बट अभी के जो नया मॉडल आ रहा है उसमें बोर्ड पे इतना कम खर्च किया है कंपनी की, यदि हम उसे 20 मिनट 25 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा चलाएंगे तो उसका मॉस्फेट ही जल जाएगा। बट ये जो ट्रू पावर का UPS है इसमें ऐसी बात नहीं है, इसे हम लंबे समय तक भी यूज करें तो भी ये ख़राब नहीं होगा, ये सबसे अच्छा बात है। ये हमने फिट कर दिया, बैटरी का सेपरेटर भी फिट हो गया। अब इसमें करंट दे के देखता हूँ। ये देखिए करंट जैसे ही दिया ग्रीन LED ब्लिंक कर रही है, ग्रीन LED जलने लगा तो ये काम कर रहा है और चार्जिंग दे रहा है और आउटपुट भी दे रहा है। ये आप देख पा रहे हो जैसे ही हमने इसकी बैटरी चेंज की ये ऑन मोड में आ गया। ये ऑफ ऑन स्विच है, चार्ज में जब भी दो तो सामने का जो स्विच है उसे ऑफ करके देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि यदि हमने चार्ज में दिया है और यदि लाइन चली गई तो वैसी स्थिति में ये बैटरी को ही कंज्यूम कर लेगा और चार्ज करने की जगह उसे फुल डिस्चार्ज करके छोड़ेगा। एक बात का ध्यान देना है कि जब भी नया बैटरी लगाएं तो ज़रूर हम उसे लंबे समय तक चार्ज 6 घंटा चार्ज करें। चलिए इसके बाहर के कैबिनेट को भी फिट कर देते हैं।
वीडियो हमने बिना किसी कट का बनाया दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया था तो हमने थोड़ा बहुत इसे छोटा किया है, बट अदर कोई भी कट नहीं डाला है। इसमें चार नट है, अच्छे से टाइट करना है। ये हो गया टाइट दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करो टेक्निकल वीडियो अपडेट के लिए। मैं इसी तरह वीकली वीडियो डालता रहूँगा। और अगला वीडियो मैं माइक्रोटेक इन्वर्टर के ऊपर ही डाल रहा हूँ। ये 1500 वाट का एक इन्वर्टर पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ अगला। और आपको किस विषय में जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। और आप हमारे वीडियो के साथ इसी तरह बने रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों में। और दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ये इन्वर्टर, ये UPS ऑन हो गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।